फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। हिंदी का अपना एक अलग ही स्थान है, भारत में तो बोली ही जाती है और उसके साथ साथ विश्व में भी कई देशों में बोली जाती है। तो हमारी हिंदी जो कि एक मातृभाषा भी है, इसका एक अलग ही, इसके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है। और हिंदी तो हमारी शान है, सुंदर हिंदी से हमारी शान ही है, शान है, पहचान है, सब कुछ है। मुझे तो हिंदी से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे लगता है हर भारतवासी को हिंदी से लगाव ही रहता होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो परंपरा थी, पहले हिंदी साहित्य लिखा गया था, हिंदी में बहुत सारे कवि थे जिनकी रचनाएं हैं, लेकिन उसको विस्तार पूर्वक से किसी ने क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा था कि हाँ ये कबीरदास थे, उनकी क्या विशेषता थी और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, उनकी रचनाओं की क्या विशेषता रही है। तो इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। तो उसी की शुरुआत जो हुई, हम देखते हैं कि कब से हुई और किसने किया, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, किसने उसको लिखने की कोशिश की, तो उसी का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हम लेखन की परंपरा जानने से पहले किसने करी उसके पहले ये जान लेते हैं जिसने भी किया उसकी पद्धति क्या रही, कि किस पद्धति का अनुसरण करके उसने इतिहास लिखा। हम देखते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिसका वो अनुकरण करते थे। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, वर्णों के क्रम के अनुसार उनका परिचय, उनका समय लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अगर कबीरदास हैं, कबीर हैं, उनका समय क्या है, 1398 है, 1398 है। लेकिन अगर यहीं पे देखें कि स्वयंभू जो अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, स्वयंभू इनका समय देखें तो 693 माना जाता है। तो जो क्रम है, जैसे कि वर्णमाला में क्या देखते हैं कि का खा ग का पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भले ही स्वयंभू पहले पैदा हुए हैं 693 ईस्वी में, लेकिन इनको क्या है, इनका जो वर्ण है सा, तो सा बाद में आ रहा है, का पहले आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, कबीर को पहले स्थान पर रख दिया और जो जिनका जो वर्ण है बाद में है वर्णमाला में, उनको क्या किया, बाद में रख दिया। इसमें कौन कौन से कवि थे, तासी थे, सिंगर। तासी और सिंगर ने क्या किया, वर्णक्रम पद्धति का अनुसरण किया। इसके बाद कौन सा है, कालक्रमानुसार पद्धति। कालक्रमानुसार पद्धति में क्या होता था, इसमें रचनाओं की जो ऐतिहासिक तिथि थी उसके आधार पर रचनाओं का क्रम रखा जाता था। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि मानस है हमारा, रामचरितमानस, इसका समय 1574 ईस्वी है। और कामायनी है, कामायनी का जो समय है वो 1935 या कहीं कहीं 36 भी मिलता है। तो इसमें क्या था, कालक्रमानुसार में जो उसका समय था, जैसे इसमें 1574 है तो ये पहले आ जाता था, इसको पहले, इसके जो कवि थे जैसे तुलसीदास हो गए, तो उनके बारे में उनकी सारी विशेषताएं वो पहले करेंगे। और कामायनी जैसा कि बाद में आ रहा है इसका समय 1935, तो ये रचना जो है बाद में आएगी। इसके बाद देखते हैं विधेयवादी पद्धति। इसमें हम देखते हैं ग्रियर्सन है और मिश्रबंधु। कालक्रमानुसार पद्धति का अनुसरण किसने किया, ग्रियर्सन ने किया और मिश्रबंधुओं ने किया। इसके बाद विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या होती है, इसका जो सर्वोच्च प्रयोग किया है विधेयवादी पद्धति का प्रयोग, सबसे ज्यादा अपने इतिहास ग्रंथ में किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विधेयवादी पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति में जैसे कि आदिकाल है, अब आदिकाल का उस समय की परिस्थिति कैसी थी,
उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और किसका इतिहास था, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और उसी को विधेयवादी पद्धति कहा जाता है, जिसमें तत्कालीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाए, वही क्या होता है विधेयवादी पद्धति। मतलब जिस समय का इतिहास है, जैसे आदिकाल है उस समय की स्थिति क्या थी, भक्तिकाल है भक्तिकाल की स्थिति क्या थी, वो सारी चीज़ों का वर्णन विधेयवादी पद्धति में किया गया। इसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति में, जैसा कि गणपतचंद गुप्त का ही इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो गणपतचंद गुप्त ने इस पद्धति का अनुसरण किया। और वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि हर चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से रखना, तर्क वितर्क करके उसको रखना ही वैज्ञानिक पद्धति है। हमने देख लिया वर्णाक्रम पद्धति का कौन प्रयोग करता है, तासी सेंगर, कालक्रमा गृहर्षि मिश्रबंधु, विधेयवादी आचार्य शुक्ल, वैज्ञानिक गणपति। इसके बाद देखते हैं कि इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसने करी, किसने शुरुआत की, भाषा क्या थी, कवि कितने थे, समय क्या था। क्वेश्चन जब एग्जाम में बनाता है तो यहीं से बनाता है कि समय ग्रंथ का नाम पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है, या कितने कवियों को इन्होंने अपने रचनाओं में स्थान दिया है, ये सारे चीज़ें पूछता है। तो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा की शुरुआत थी उसमें प्रथम प्रयास किसने किया, तासी ने प्रथम प्रयास, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, प्रथम प्रयास किसने किया, गारसा दा तासी। अब इनका ग्रंथ क्या है, पहले इनका ग्रंथ देख लेते हैं, इस्तवार, ये फ्रेंच में है इसलिए बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, याद भी नहीं होता है, तो क्योंकि ये फ्रेंच में है, इस्तवार डाला लितरे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यही इनके ग्रंथ का क्या है, नाम है, इस्तवार डाला लितरे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। और इसका समय क्या था, इसका समय हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी भाषा देख लेते हैं, भाषा क्या थी, भाषा इसकी फ्रेंच थी, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो तासी थे उर्दू के बहुत बड़े पक्षधर थे, और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, रहते फ्रांस में थे, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, उर्दू को मान्यता मिल रही है कि नहीं, उसका स्थान कहीं नीचे तो नहीं चला जा रहा है, ये सारी चीज़ों की खबर रखते थे, तो ये क्या करते थे, उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती थे। और इनका जो ग्रंथ था फ्रेंच में था, और इनके जो ग्रंथ के क्या थे, दो भाग थे, दो संस्करण कह सकते हैं। और इसका जो पहला था उसका क्या समय था, 1839, और दूसरे का क्या समय था, 1847। पहले का 1839, दूसरे का 1847 है। इसके बाद हमारा इसमें कितने कवियों को इन्होंने स्थान दिया वो देख लेते हैं, तो इन्होंने 738 कवियों को स्थान दिया, और इसमें से 72 कवि जो थे वो क्या थे, हिंदी के थे, मतलब उर्दू के पचहत्तर थे, लेकिन 75 हिंदी कवियों को इन्होंने स्थान दे दिया था, और जो शेष थे शेष उर्दू थी, जो 72 से बचते हैं वो उर्दू के कवि थे, यहाँ पे 738 कवियों को स्थान दिया। और इनके ग्रंथ का अनुवाद भी किया था, अनुवाद किसने किया,
अनुवाद करते हैं, 1952 में, 1952 में करते हैं कौन, तार, लक्ष्मी सागर वासरे, लक्ष्मी सागर वासरे, लक्ष्मी सागर वासरे करते हैं। इसको हम अगर हम भूल भी जा सकते हैं, भूल भी सकते हैं कि लक्ष्मी सागर वासरे, क्योंकि गिरियर्सन के ग्रंथ का भी अनुवाद हुआ है किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम की किशोरीलाल गुप्त हैं कि लक्ष्मी सागर वासरे, तो हमको ताल से याद कर लेते हैं। इसका पहला शब्द तासी का पहला शब्द यहाँ लिख देते हैं और ला का लक्ष्मी सागर का ला रख देते हैं, ला से लक्ष्मी सागर हो जाएगा, लक्ष्मी सागर वासरे, ता से तासी, मतलब तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, ताल याद रहेगा तो लक्ष्मी सागर वासरे ने किया, और किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई, हिंदुई साहित्य का इतिहास, नाम क्या रखा, हिंदुई साहित्य का इतिहास। बस मुझे लगता है यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला इनका कि ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदुस्तान, भाषा क्या थी, फ्रेंच थी, इसके कितने संस्करण या भाग कह सकते हैं, कितने थे, तो दो थे, 1839 और 1847। इसके बाद कितने कवि रखा, 738 कवि, अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वासरे ने किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और यहाँ पे कभी कोई पूछ लेता है कि जो दूसरा इनका ये संस्करण था, इसका, इसको तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भाग हुए इसके, पहला दूसरा तीसरा, जो दूसरा इसका संस्करण था इसको इन्होंने तीन भागों में बांटा, और तीनों का प्रकाशन क्या था, 1871 ईस्वी, ये पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि कभी कभी हमें लगता है कि डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे तो जो छोटे एग्जाम हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो दूसरे वाले संस्करण का जो भाग, तीन भाग किए गए और तीनों भागों का प्रकाशन 1871 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं ताल, लक्ष्मी सागर वासरे, तासी के, तासी के बाद कौन, कौन, किसने इतिहास ग्रंथ लिखा, तो शिव सिंह सेंगर, इसके बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं, कालक्रम में भी पूछा जाता है, तो तासी के बाद शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, ये इनका जो इतिहास ग्रंथ था बहुत इजी था, इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही रख लिया था, अगर ऐसे ही सारे लोग रख लें तो फिर हम पढ़ने वाले जो भी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज रख लिया, शिव सिंह, शिव सिंह सरोज, इनके ग्रंथ की क्या विशेषता है, शिव सिंह सरोज, इनका जो समय था क्या था, 1883 रहा, 1883 समय रहा, और इन्होंने कितनी कवियों का स्थान दिया, उन्होंने 738 रखा था, इन्होंने 838 रखा, इन्होंने क्या रखा, 838 कवियों का स्थान दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें यहाँ से कुछ और पूछा जाता है, 1883 समय पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कितने रखे, 838 मतलब कहा जाता है कि 1000 बोल सकते हैं, लगभग 1000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। इसके बाद आते हैं कौन, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का पूरा नाम है ग्रियर्सन, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका जो ग्रंथ था वो अंग्रेजी में था, आप लैंग्वेज समझ आ रही होगी कि ऑफ या फिर द मॉडर्न, द, ये सारी चीज़ें क्या होता है अंग्रेजी में प्रयोग होती हैं,
जबकि तासी का हमने देखा था इस तरह दलित वो फ्रेंच में था। इनके ग्रंथ की क्या भाषा थी? अंग्रेजी थी, अंग्रेजी भाषा थी। समय क्या? समय पूछा जाता है 1888। इसमें कुछ त्रुटियां भी थी जिसका संशोधन करके बाद में 1889 में उन त्रुटियों को दूर किया गया, संशोधन होकर उन त्रुटियों को दूर किया गया। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया? तो इन्होंने इनसे ज़्यादा मतलब 952 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में सिर्फ हिंदी कवियों को ही स्थान दिया था, बाकी अन्य भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया था। जैसे तासी ने उर्दू को दिया था, तो क्या हुआ था, सिर्फ हिंदी के कवियों को इन्होंने स्थान दिया था 952। और इनके ग्रंथ का जो है अनुवाद भी होता है, इनके ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? मैंने बताया था उनका ताल बताया, इनका हम क्या कर लेंगे, ग्रीक याद कर लेंगे। ग्रीक पहला शब्द ग्रीक से हो जाएगा हमारा ग्रियर्सन। और का से हम देख लेते हैं किशोरी लाल गुप्त। हमें देखना यहाँ पे गुप्त है ना कि गोस्वामी, जैसे उपन्यासकार कहानीकार के रूप में किशोरी लाल गोस्वामी प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शन अगर देगा कि ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, तो गोस्वामी को जरूर रखेगा और हम कंफ्यूज जाएंगे। तो हमें गोस्वामी को नहीं याद करना है, हमें गुप्त को याद रखना है। किशोरी लाल गुप्त ही हैं जो अनुवाद करते हैं, वो था 1952 में, ये है 1957 में। 57 में अनुवाद करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने जो अनुवाद किया उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ग्रियर्सन जो हैं ये भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी, एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसने दिया, ग्रियर्सन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा, लेकिन देते हैं कितने काल के अंतर को देते हैं, कितने काल के से कितने काल के अंदर तक देते हैं, ये 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो काल था उसी को सिर्फ स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं, तो उसी को ही क्यों देते हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी का के काल को ही क्यों स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि जो तुलसीदास का समय था वो कितना था, तुलसीदास का समय जो 1332 से लेके 1532 से लेके 1623, तो 1532 से तो 15वीं शताब्दी नहीं कहेंगे क्योंकि 15 हो चुका है, 16 शुरू हो गया है। तो यही क्या है, 16वीं शताब्दी है और 16 मतलब ख़त्म हो चुका है, 17वीं शुरू हो गया है, तो यही 17वीं शताब्दी, मतलब कि जो भक्ति काल था तुलसीदास का जो समय था उसी को इन्होंने क्या किया, स्वर्ण काल की संज्ञा दिया है। इसीलिए वो तुलसीदास के समय को मतलब तुलसीदास की रचनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने उसी को स्वर्ण काल की संज्ञा दिया। हम देख लिए, तासी देख लिए, शेंगर देख लिए और ग्रियर्सन का भी देख लिए। अब इसके बाद कौन है, इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। जैसा कि इसमें पता चल रहा है नाम से, बंधु मतलब इसमें तीन बंधुओं को मिलाकर मिश्र बंधु नाम दिया गया, मिश्र बंधु। इसमें कितने भाई थे, ये तीन भाई थे, तीन भाइयों को मिलाकर मिश्र बंधु नाम दिया गया। पहले का नाम क्या था, गणेश, श्याम, बिहारी जोड़ते जाएंगे, गणेश श्याम सुखदेव, ये सारे भगवान का नाम है तो याद रखना चाहिए, गणेश श्याम सुखदेव। कभी कभी कृष्ण बिहारी भी ऑप्शन में दे देता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं, इन तीनों को रख देगा।
और उसमें से एक दे देगा कृष्ण बिहारी या कुछ और बिहारी करके, तो हमको उस पे नहीं जाना है। गणेश हैं, गणेश के बाद श्याम है और सुखदेव है, बस इतनी ही। मिश्र बंधु के ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने भी अपने नाम के आधार पर ही रखा, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। और इसका इसका कितने इसको कितने भागों में इन्होंने बांटा? इसमें क्या था, इसके चार भाग थे, चार भाग थे। चारों भागों का समय हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये तीनों भागों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1913 था। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1934 ईस्वी था। अब हम याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, इसलिए तीनों भागों का प्रकाशन 13 में हुआ। और यहाँ पे चार है, यहाँ पे भी लास्ट का जो अक्षर है वो चार है, तो चौथे भाग का प्रकाशन 34 में हुआ। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया अपने अपने इतिहास ग्रंथ में। तो सबसे ज्यादा कवियों को इन्होंने स्थान दिया 4591, मतलब टोटल इन्होंने अगर कहा जाए लगभग 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया, 4591 कवियों को स्थान दिया। और इन्हीं के ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्ति संग्रह कहा जाता है, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये संज्ञा कौन देता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने खुद स्वीकार किया है कि कवियों का जो विवरण है वो मैंने मिश्र बंधुओं से प्राप्त किया है। इसका हमने देख लिया, ये सारे जो है क्या है, हिंदी में ही हैं। पहला जो था फ्रेंच में था, ग्रियर्सन का जो था अंग्रेजी में था, लेकिन ये सारे हिंदी में ही हैं। और हमने देख लिया नाम मिश्र बंधु विनोद ने भाग है और इतने कवियों को उन्होंने स्थान दिया है। और इनको जो है इन्हीं के ग्रंथ को पंचांग की संज्ञा दी जाती है, पंचांग की संज्ञा दी जाती है। जो इनका ये ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसी को पंचांग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे कौन आते हैं? मिश्र बंधु विनोद हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम याद करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु विनोद से शायद, मिश्र बंधुओं से शायद इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना तो कोई भी तैयारी हिंदी से, जो भी नेट जे आर की TGP PGT है, LT है, तो इनके इतिहास ग्रंथ को पढ़े बिना शायद ही कोई मतलब एग्जाम पास कर ले। लेकिन अगर इनको कोई पढ़ता है तो मतलब वो हिंदी को जानता है, हिंदी को उसने जाना है, साहित्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो समय था क्या था? 1929 ईस्वी। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो शुक्ल का इतिहास था किस नाम से छपा, किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से छपा था? हिंदी साहित्य का विकास, पहले इतिहास नाम हुआ नहीं हुआ करता था, हिंदी साहित्य का विकास हुआ करता था, हिंदी साहित्य का विकास। ये एलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एलटी 2018 में, 2018 में पूछा हुआ है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में
जो हिंदी साहित्य का इतिहास है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। इनका इन्होंने कितने कवियों को स्थान? लगभग इन्होंने 1000 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, 1000 कवियों को स्थान दिया है। और इन्होंने भक्ति काल को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला सगुण निर्गुण थे, और फिर उसमें क्या था, सगुण में हमने क्या देखा था कि रामाश्रय कृष्णाश्रय है, निर्गुण में क्या है संत काव्य जो कि ज्ञान आश्रय है, और इसके बाद दूसरा वाला प्रेमाश्रय। और इन्होंने भक्ति काल को अपने ग्रंथ में बहुत ही अच्छे से उजागर किया है। और इनके संबंध में कुछ जैनेन्द्र कहते हैं, जैनेन्द्र इनके संबंध में कहते हैं, क्या कहते हैं, जैनेन्द्र ने कहा कि इतिहास को शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं, जुटाया है जगाया नहीं। तो यहाँ पे जैनेन्द्र, अगर ये क्वेश्चन, अगर कोटेशन आ जाए कि जुटाया है जगाया नहीं है करके, तो हम देखते हैं कि जैनेन्द्र में से इंद्र को निकाल लेते हैं। इंद्र क्या करते हैं कि जो अहिल्या थी, अहिल्या के पति जो थे गौतम मुनि, उनको जाके क्या करते हैं, रात में जगाते हैं ना, रात में मुर्गा बन के कुछ तो करते हैं, जग के वो चले जाते हैं स्नान करने। तो वहीं से हम लिंक कर लेते हैं, अगर जगाने की बात आए तो इंद्र ने जगाया था, तो जगाने की बात आए तो जैनेन्द्र ने क्या कहा था, जुटाया है जगाया नहीं। इसके बाद हम शुक्ल का देख लिए, आचार्य शुक्ल ने इतने कवियों को स्थान दिया है। फिर हम देखते हैं कि ये हजारे प्रसाद के भी कुछ ग्रंथ हैं, और फिर इनके हजारे प्रसाद के कौन से ग्रंथ देख लेते हैं। हजारे के कौन कौन से ग्रंथ हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने कई ग्रंथ लिखा है। भूमिका इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 है। दूसरा क्या था, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसके बाद इनका एक और ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे याद करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई किसी भी चीज को लिखने से पहले क्या करते हैं, पहले एक भूमिका बनाते हैं, तो हिंदी साहित्य का भूमिका पहले आ जाएगा। और ये दोनों क्या हैं, 52 में हैं। इसके बाद देखते हैं, फिर अगर किसी चीज़ की हम भूमिका बना लिए तो क्या हुआ, उसका उद्भव हो जाएगा, उद्भव विकास हो जाएगा। जब उसका उद्भव होगा तभी तो आरंभ होगा, मतलब पहले भूमिका बनाए, फिर उद्भव और विकास होगा, फिर जाके उसका आदि, मतलब शुरुआत हो गई आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। मुझे लगता है दोस्तों अब हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो आगे की जो चीज़ें हैं, आगे का जो टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसा कि किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, तो मुझे लगता है कि अभी मैंने भी ये जो शुरुआत करी है बहुत सारी त्रुटियाँ होती होंगी, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए, और जो भी कमी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको पूरा अच्छी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ जिस तरह से मैंने पढ़ा। और बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया, जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, और इसमें जूनियर एडिट जूनियर का जो है, और एडिट जूनियर भी हो गया, DSSB PGT भी मैंने दिया था, तो बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है। तो मुझे यही लगता है कि इस तरह से हम डिटेल में पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।